हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 गोवा का। अभी हम मतलब रात को नहा चुका है, वापस आ गए। कल हम डे 2, अभी सुबह सुबह उठे हैं और सिर्फ नमन और मैं हैं अभी। एंड वी आर सर्चिंग फॉर कॉफ़ी। मतलब यहाँ थोड़ा आगे जाके मिट्टी है, लास्ट टाइम वहाँ गए थे लास्ट ट्रिप में, तो देख रहे हैं उस साइड ही जा रहे हैं। तो वी विल गो टू मिट्टी, हैव अ कॉफ़ी एंड देन स्टार्ट अ डे ऑफ। तो यार हम गए थे बाहर, मैगडी तो बहुत दूर था, मतलब ये चल ही नहीं पा रहा है। कारण नहीं, अभी कल की नहीं उतरी तो अभी हाँ, मतलब मैं भी नहीं चल पा रहा हूँ, मेरे पैर में लगी है। तो अब हम वापस आ गए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। इधर से ना तो आज साउथ इंडियन भी है ब्रेकफास्ट में, फ्रूट, साउथ इंडियन आर लेजेंडरी पराठा, चाय और इसकी कॉफ़ी। शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। भाई मैकडी से तुझे यहाँ की कॉफ़ी पे आ गया अचानक से, क्या हुआ? तो इतने से चला ही नहीं जा रहा था, मैं क्या करूँ, तो गोदी मिलेगी थोड़ी आता मैकडी से यहाँ तक। यार सही में पैर दर्द हो रहा है भाई। शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी ब्रो, बैठे यहाँ पे। Find your own space, okay? अभी व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट किया? अभी मैं आया हूँ स्कूटी रेंट पे लेने, तो दो स्कूटी रेंट पे लेनी है। भैया दे रहे हैं दो। भैया दूसरी कौन सी स्कूटी है? ये वाली फैसिनो। फैसिनो ने सिर्फ गोवा में बिक रही है, कहीं और फैसिनो नहीं बिक रही है। चलो चलाते हैं इसको। ये आ गई हमारी स्कूटियाँ दोनों, ठीक है। अभी नंबर नंबर दे रहा है इसको। भैया ने मेरा आधार कार्ड रखा है। कोई फ्रॉड हुआ ना भैया मेरे नाम से आज? आपके पास है मेरी आईडी नंबर। भाई ये नहीं कहीं घूमने चल रहे, मतलब सो गए हैं बस, कल लंच के बाद चलेंगे। ये तो है ना एक सोरा जी। अब मैं कर लूं। तो गाइस अभी हमने लिया स्कूटीज ली हैं, आज हमारा है डे 3। हाँ अब स्कूटी ली है ये दो, ठीक है। और अब चलते हैं कहीं घूमने, टाइम नहीं मिला यार दो दिन से स्कूटी वूटी का, तो उसमें घूम रहे थे हम द लेजेंडरी विंगर में। अब चलते हैं इसको लेके कहीं और जाते हैं कहीं बीच वीचे कहीं पे। इतनी ज़्यादा धूप है ना, मतलब इट्स वेरी अनबियरेबल, बट वी हैव नो ऑप्शन। बाहर से लोगे ना? चलो चलते हैं फटाफट। गवर्नमेंट को पेट्रोल पंप की बहुत दिक्कत है, तो हम यहाँ ऐसे ले रहे हैं, ये एक एक लीटर करके मिलता है ब्लैक में, और इससे पेट्रोल डालेंगे फिर पेट्रोल पंप डालेंगे। तो हम अभी गाइस हम निकल चुके हैं, ठीक है। और मैं नहीं पकड़ रहा हूँ फोन, देख लो मेरे दोनों हाथ यहीं पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। आई डोंट नो वॉइस भी कितनी क्लियर होगी या नहीं होगी। अभी लंच करना है पहले, फिर कहीं बीच वगैरह पे जाएंगे। अभी आ गई है पूरा ग्रुप, तो वो देखते हैं आगे चल के। अभी यार इतने गोलगप्पे क्यों खाने हैं यार इनको, मतलब रात को 4 बजे भी बागा से निकले गोलगप्पे खा रहे थे, अभी फिर गोलगप्पे खा रहे हैं। पता नहीं क्या प्यार है गोलगप्पों से इन्हें। अब लंच करना है, सादा जीवन, दाल रोटी यही चल रहा है बस। ओके सो अगेन वी आर ऑन दिस ब्यूटीफुल बीच अंजुना, एंड काफ़ी अच्छे हैं सुना है यहाँ के ना कैफेज बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट लिलीपुट और ओके ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बढ़िया, मतलब सुबह तो कुछ किया तो नहीं, सो रहे थे पहले,
खाना खाने चले गए, अब देखते हैं थोड़ा पानी में जाते हैं और देखते हैं टाइम पास करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, ग्रुप इधर उधर हो गया, देखते हैं कहाँ हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट, एंजॉय दिस व्यू। हम यहाँ घूम रहे थे तो शूटिंग हो रही है किसी मूवी की और इसका नाम किसान ने अमल होत्रा जो है जो दंगल में थी, शी इज़ द एक्ट्रेस। तो हमने मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक घंटा डेढ़ घंटा घूम रहे हैं, वहाँ एक शूटिंग चल रही थी वो देख के आए, अब सब लोग वापस जा रहे हैं, अगर किसी और बीच चलो तो बस ऐसे टाइम पास चल रहा है। अब मतलब ठीक है, पानी में तो नहीं गए, अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे किसी बीच पे, वेगेटर का ही मन है क्योंकि नाइट लाइफ वहीं पर है, बाकी देखते हैं किसी का किसी का मूड कुछ और का है तो देखते हैं, बाकी दिस ऑल्सो नाइस बीच, यार एंजॉय इज़ रियल नाइस बीच, मज़ा आया यहाँ पर काफ़ी। अब वापस वेगेटर आ गए हम, वेगेटर बीच, और भाई गोवा में स्कूटी राइड करना मज़ा ही अलग है ना भाई, मैं अपनी वॉइस रखूंगा और म्यूजिक हटा दूंगा। हर कोई नशे करता है ठीक है, बट ये कैसा नशा है, और ये चढ़ गया या चढ़ गई वो तो जो भी है ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है या कर रही है, उतरेगा कैसे या उतरेगी कैसे, पर पता नहीं क्या सोचता है, गोवा में कुछ तो है मतलब कुछ भी चलता है भाई हमारे ग्रुप में कुछ भी चल रहा है, उन्होंने जाके उसको बोल दिया मैं चढ़ता हूँ आप उतरो अब ये कह रहे हैं मैं चढ़ूंगा। कोई पीछे पकड़ने के लिए खड़े हो धीरज भाई, तो अभी हम आए हैं शॉर्मा खाने, यहाँ पर बहुत फेमस बता रहे थे हमें लोग ठीक है, अगर हमने लिया ये है ब्रेड वाला शॉर्मा और अब खुबूस वाला बन रहा है, काफ़ी अच्छा है मतलब ये काफ़ी अच्छा था ठीक है, अब ये देखते हैं खुबूस वाला कैसे है, जीप है ना जीप नहीं रुकती इनके, तो अभी शॉर्मा खाया बस, मैं एग रोल बनवाने आ गया, भूख लग रही है बहुत तेज,
दिख रहा है भाई, दिख रहा है। कोक ले ले, कोक ले ले, नहीं तो बियर लेनी पड़ेगी। लोकल फूड ट्राई करने निकले थे, पसंद ही नहीं आया। मतलब शॉर्मा अच्छा था, एग रोल में कट गया, तो हम घूम फिर के यहीं आ गए हैं वापस मैकडी। अब यहाँ पे अपना प्रॉपर मील वगैरह खाते हैं। इट्स एनीवेज डिनर टाइम, तो ये यहाँ करते हैं, खाना वाना खाते हैं। कहाँ अब यहीं आ रहे हैं ना वो? यहाँ नहीं आ रहे, वो जो वहाँ से लेफ्ट मुड़ता है ना, ये हमारा वो है ट्रैवल लीडर है, ट्रैवल लीडर। पूरे ग्रुप का ध्यान रखा हुआ है, वेरी नाइस थिंग। ये रिलीज होगी ब्रो आने वाले वीकेंड्स पे। तू बता गोवा 5 साल बाद आया है नन्ने। चलो यार चले अंदर। हम अभी तैयार होकर निकले दोबारा, अब देखते हैं कहाँ जाना है। शायद की क्लब अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ अभी सब निकले हैं, बाकी लोग आगे चले गए, नंबर में पीछे हैं, बस भाग के बड़े बड़े जाते हैं इनके पास। ओके ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो, स्पेशल लाइट है या इन्होंने लगवाई है पता नहीं। एनीवेज हम गए थे टीटूज लेन, बट किसी को कुछ वहाँ समझ नहीं आया, तो वापस घूम फिर के यहीं आ गए। कल भी आए थे बागा टेल्स, और ये रहे हमारे अमर भाई जिन्होंने कलम में सर्व किया था। अमर भाई से हाय। हाय, कहाँ बैठना, कहाँ है वो सब? हवाना है, बैठे बड़े हवाना कहाँ है? नहीं सर कोई बात नहीं, वहाँ वहाँ एंजॉय करते हैं। लास्ट नाइट इन गोवा एंड इट लुक्स नाइस, ऑब्वियसली नॉट मैच इन द एक्सपेक्टेशन आई हैड, स्टिल इट्स फाइन। भाई वो तो लिफ्ट था भाई, लिफ्ट था लो भाई, अपने आप ही मैं फुल पीकर यहाँ पर सारे भंडे रात के बज रहे हैं 3 फुल पीकर यहाँ सब भंडो रहे, खाना वाना खा रहे हैं भाई, आवाज ही निकल रही, पता नहीं मैंने इतना कुछ बोला ही नहीं, आवाज ही बंद हो गई, पता नहीं क्या चीज आवाज बंद कर गई मेरी। ये खुल गई, एक और बियर, एक और 3 हो गई है। अब भी आपने मेरा साथ दिया, अब ये मत बोलो, आपने मेरा साथ दिया। चीयर्स 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 भाई साहब, आवाज ही नहीं उठी भाई की। एंड दैट्स द एंड ऑफ द लास्ट डे, यो ब्रो एंड ऑफ द लास्ट डे ब्रदर, यो ब्रो हमारी फ्लाइट है और हम जा रहे हैं। हाँ जी हेलो हेलो, अपना फीडबैक दो, कैसी रही ट्रिप? फीडबैक क्या, तो मतलब ट्रिप तो ऐसी है कि मैं चलती रहता हूं, चेक करेगा दादा, ऑल गुड ऑसम, बढ़िया बढ़िया। जो आज का डे है ना, वाली बात में तो हार्दिक हार्दिक इधर ना हार्दिक, जो आज का हम ना बीच से फ्री हुए हैं और टीटोस लेन के माहौल देखो इस वक्त। नाइस यार, इट इज इट्स नाइस, बहुत मजा आया आज। सो हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। दैट इज एंड ऑफ डे 3, नाउ द एंड, सो दैट इज द एंड ऑफ डे 3। कल वापस खुश हैं लोग सारे, ठीक है। हां वेरी गुड टू मी, तो बस आ गया एंड दैट इज द एंड ऑफ डे 3। हां जी अच्छा, घर बात कर रहे हो? नहीं नहीं, व्लॉग बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। अच्छा अच्छा, हां बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, ऐसे बोलो, अब बोलो।
बहुत बढ़िया था, बोलो बोल तो जी है बहुत बढ़िया रहा भैया, थैंक यू। मतलब डे फोर में मन तो नहीं देखता है, ब्लॉग करता हूँ नहीं करता, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय, गुड नाइट। आई नो दैट आई सेड इट्स एंड ऑफ डे थ्री बट एग्जैक्टली दैट डिडंट हैपन। तो हम वापस गए रूम में, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब कोई रूम पे बैठा ही नहीं, वापस निकल आए कि रात को बीच पे चलते हैं शैक पे बैठेंगे थोड़ी देर। फिर शैक पे बैठे रहे, उसके बाद मैगी वैगी खाने लग गए, इतने में टाइम फॉर द सनराइज, तो हम वापस बीच पे आ गए, रूम पे ही नहीं गए, ठीक है। एंड इस वक्त क्या बढ़िया सीन है, देखो भाई कोई आके इनको समझा लो, मुझसे नहीं हो पा रहा, कह रहे आरंबोल बीच चलो अब। अरे यार बैठ जाओ, टाइम कितना है अभी, गांड फट रही है, 6:42 है, 2 बजे तक जगना है, 2:30 बजे जाने फ्लाइट, आज ही फ्लाइट है हमारी। भाई नहीं पहुंच पाए भाई, बहुत दूर है, वैष्णो देवी यात्रा जा रही है, 70 किलोमीटर चल रहे हैं, 70 किलोमीटर वैष्णो देवी जा रहा है, 24 घंटे हो गए रिसोर्ट से निकले, रास्ता बंद हो रही नहीं है, पता नहीं एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनको बोल दो भैया एयरपोर्ट आ जाना बैग लेकर। The way you're moving, the way you shine, everybody's watching you, I wanna make you mine, the way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me, always on my mind, on my mind. फाइनली हम आरंबोल बीच तो पहुंच गए हैं, और आते ही एक तो कांड कर दिया इसने, स्कूटी टच कर दी यहाँ पे किसी शैक वाले की स्कूटी पे, इतनी सी टच हुई है, उसमें उस पे ना हल्का सा स्क्रैच है, और वो पीछे पड़ गया, सही कराओ सही कराओ, उधर जाके है, इधर अंदर हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग सब नहीं रुके हैं भाई, बहुत तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी है सही करा के जाओ, तो वो करा रहे हैं सही, बाकी बीच तो काफ़ी अच्छा है देखा यार। ये सनराइज हो रहा है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा भी आ रहा है, एंड जस्ट मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे योगा चल रही है, सब फॉरनर्स हैं भी, योगा चल रहा है, कुछ मेडिटेशन चल रहा है, और ये मतलब काफ़ी अच्छा बीच है। यार आया उस सब हिसाब करके, इतना सा स्क्रैच था, इतना सा 500 रुपये ले लिए उसने,
देने बड़े क्या ही करते हैं, मतलब लड़ तो सकते नहीं है यार यहाँ पे। देख के आया हैं, दैट इज़ हाउ आर सैटरडे स्टार्टेड इन गोवा। अब थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, 8 के ऊपर टाइम है, 9 बजे स्कूटी का लास्ट टाइम है और यहाँ से 1 घंटा दूर हमारा वो है कैलेंगू। तो देखते हैं अभी वहाँ भी बिटी होगी, थोड़ी देर जाके सोएंगे, पूरी रात हो चुकी है, सोए नहीं है, जाके सोते हैं रात को और इसके बाद अपना उठेंगे यार और फ्लाइट आज की। चलो चलते हैं, अभी तो यहाँ थोड़ा इंजॉय करते हैं। सबका मन उठ गया यहाँ से, कह रहे चलो फटाफट वापस। और अभी हमारे होटल वाले का फ़ोन आया, कह रहा है चेकआउट टाइम तो 9 बजे का है, हम तो 10 बजे से पहले वापस भी नहीं आ सकते। तो चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या करना है। और हम पूरी रात नहीं सोए, हमारे को सो जाएंगे यार, 2 बजे है हमारा, मतलब टैक्सी 2 बजे आनी है तो 12 बजे चेकआउट होगा, 9 बजे कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, बात करेंगे बाकी। चलो यार अभी मैं तो बैटरी बहुत लो गई है, चलते हैं आगे। भाई वी हैव रीच्ड द रिजॉर्ट फाइनली, 10 बज गए हैं यार और अब बस फटाफट ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि भूख तो लगी हुई है और सोने का कोई सीन नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे यार, वेरी 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 टायर्ड एग्जॉस्टेड। फटाफट नाश्ता करते हैं पहले, तो थोड़ी एनर्जी आएगी या तो एनर्जी आएगी या बहुत ज़्यादा आलस आ जाएगी। देखते हैं अंदर चल के। तो अभी ना हम चेकआउट करने लगे हैं, बस पैकिंग वैकिंग हो गई है, मेरा बैग बाहर है, एक छोटा सा बैग, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे एक प्रैंक, ठीक है। देखो ज़िगज़ैग क्यों रख रहा है, पैक मुड़ा हुआ है ना। ठीक है भाई कर कर। ब्लैंकेट शेप दे रहा प्रॉपर। अबे यार अब ये ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, ठीक है। ओके कोई तो सो रहा है हमारे रूम में, हमें नहीं पता कौन है। चल 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 यहाँ। तो अभी निकल आए हम होटल से और वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी मार्केट है, कुछ देखते हैं, कुछ लेना है तो। एंड कॉफ़ी पीने का मन है बट मैकडी बहुत दूर है यार और स्कूटी नहीं है, देखते हैं अगर वहाँ तक जा पाए तो चले जाएंगे। अभी ऐसे थोड़ा वॉक कर रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, बताएंगे क्या लेते हैं, देखते हैं, अभी तो कुछ पक्का सा है नहीं, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम ना कॉफ़ी पीने गए थे, ठीक है, बट कॉफ़ी इतनी ज़्यादा बेकार थी, मतलब सबसे वाहियात कॉफ़ी आज तक की ना वही होगी, बस पता नहीं क्या डाली कॉफ़ी बनाई थी जो कॉफ़ी का ही टेस्ट नहीं था उसमें। एनीवेज अब ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, फटाफट लंच करना और निकलना है, ठीक है। थोड़ा मार्केट से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करी है, बैग वगैरह लिया है एंड फ्रिज मैगनेट्स लिए हैं, बस इसके बाद लंच करते हैं फटाफट और निकलते हैं वापस दिल्ली के लिए। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर गोवा ट्रिप। दाल पनीर रोटी सादा जीवन रायता, खाना हम यहाँ बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर दिक्कत ना दे खाना। हम जाना है वापस, ये फोर्स ट्रैवलर, 2 बजे निकलना था, 2:45 हो गए हैं, इन लोगों का अभी भी वो नहीं रहा पूरा, अभी भी नहीं चल रहा है।